अरे मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे बुलाइए, आप मेरी चीज को देखिए, हिंदुस्तान की पुरानी ये जो मार्शल आर्ट है इस चीज को देखें कि आखिर क्या है इस मार्शल आर्ट में। आदर्श किसको मानते हैं, किसको ज्यादा आप अहमियत देना चाहेंगे? मेरा पूरा जो श्रेय जाता है वो मेरे माता जी को जाता है, वो बॉलीवुड आप अपने के तक आपका एक लिंक होना और ये हमारे लिए हिमाचल के गर्व की बात है। हमारे देश में जी आप देखते होंगे महिलाओं पर अत्याचार है, रेप है, बलात्कार है, ऐसे कई। चाहे वो कोई महिला हो चाहे कोई लड़की हो कोई भी हो, कि 24 आवर आपको अवेयर रहना है, कुछ भी हो सकता है, एक शेरनी की तरह आपको दहाड़ना है। कभी भी आपको ऐसा, आखिर कॉलेज में वो जाता है वहां पर वो करता क्या है? इस हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करना है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा। लड़कियां भी आज के समय में पीछे नहीं है नशे करने में, लड़कियां भी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है। म्यूजिशियन है जैसे सिंगर है, इन इन लोगों को लोग ज्यादा बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। युवा क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि एक लोगों में एक अवेयरनेस फैले। नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से, और उन अतिथियों को बुलाते हैं जो एक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हो, जो बुजुर्गों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो, जो पूरे भारत के लिए, किन्नौर के लिए, हिमाचल के लिए, गली मोहल्लों के लिए, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हो। आप जानते हैं आज के एपिसोड में हमारे साथ है ऐसे अतिथि जिनका मैं शब्दों से जितना भी बयान करूं वो बहुत कम है, क्योंकि उनकी काम ही इस प्रकार से है। हिंदुस्तान के पुरानी मार्शल आर्ट का ये प्रसार कर रहे हैं, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक ऐसा जिम बनाया है जो घरेलू जिम है, जिसमें घरेलू छोटी मोटी चीजों का ही उपयोग किया है, जैसे आप। और उसके बाद इन्होंने जो है युवाओं के अंदर में, पूरे हिमाचल में, पूरे किन्नौर में, जहां जहां भी जाते हैं, नशा के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। और तो चलिए हमारे साथ अतिथि महोदय, आदरणीय राणा द वाइपर, आपके समक्ष जितने भी अतिथि है इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा स्वागत है राणा सर आपका किन्नौर पेज में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सबसे पहले, और आपके दर्शकों को मेरा तहे दिल से प्रणाम सभी को। जी, ये भारत के अन्य युवाओं के लिए समय निकाला, आपका तहे दिल से आभार। बहुत सारे जो है आयोजन में जाते हो, बहुत सारे लोग अब आपको बुलाते हैं, अब आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह यू हमारे लिए, तो पूरे आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हो। कुछ छोटे छोटे सवाल आपके समक्ष रहेंगे हमारे साथ, तो चलिए सर आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के पुराने जो मार्शल आर्ट जो उसमें इतना जी क्या खास बिल्कुल सर, है, जिसको आप जो प्रचार जी प्रसार कर रहे हैं उसमें क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या वो राजाओं के जमाने में प्रयोग करते थे, अब इसको हम प्रसार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या ये सुरक्षा के लिए सही है, अपने लिए सही है, क्या ये खेल का भी एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन है? स्वागत है जी आपका सर। जी तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिस मार्शल आर्ट को मैं प्रसार कर रहा हूं, जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पिछले काफी समय से मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा था, हिंदुस्तान की ये सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, और विश्व की जितनी भी मार्शल आर्ट है उन सभी मार्शल आर्ट की ये जननी मानी जाती है। इसका इतिहास, यदि आप इसके इतिहास के बारे में, यदि आप इसके बारे में जानेंगे, कलरीपयट्टू आपको सर्च करना है, पूरी उसके बारे में डिटेल निकल जाती है कि वो सारी जो मार्शल आर्ट है, जैसे कुंग फू हो गया, मतलब जितने भी ये ताइक्वांडो वगैरह जितने भी ये, वो सारी हमारे हिंदुस्तान से ही जन्मी है। पर उस समय क्या हुआ था, शुरू में जैसे भगवान शिव ने इसकी रचना की थी, इसका जो इतिहास बताता है, तो आगे उन्होंने ये फिर परशुराम के सामने ये जो विद्या है वो उनके पास दे दी, फिर उन्होंने तो इसकी जो रचना की थी वो पशुओं के लिए की थी, पर आगे इसका जो विस्तार किया गया वो जैसे उस समय जो राक्षस वगैरह होते थे उनके लिए ये की गई, फिर बाद में वहां पर इसके लिए, यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, इसमें शस्त्रों का भी इसमें यूज किया जाता है। यहाँ पर एक मुझे जो मेन चीज यहाँ पर लगी कि वहां से हम एक शारीरिक तौर से भी आप हेल्दी रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी, काफी सारे लोग आज के समय में डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा, यदि आप इस कला को, आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं, काफी सारी अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे आप हमारी पूरी बॉडी के, हमारी बॉडी के जितने भी हमारी बॉडी की ऑर्गन्स है, एक यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा आप सभी को, कलरीपयट्टू की एक छोटी सी डेफिनेशन है, टू बीइंग द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग वी नीड टू ट्रेन आवर होल बॉडी सिस्टम्स। एक ह्यूमन बीइंग को यदि उसे पूरी तरह, यदि उसे परफेक्ट बनना है, तो हमें बिल्कुल शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से फिट रहने के लिए आपको
हमारी बॉडी की जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका ब्रेन, आपकी किडनीज, यानी कि हर एक चीज के लिए वहां पर एक्सरसाइज अवेलेबल है। साथ ही साथ वहां पर कदरी चिकित्सा, यदि हमारी बॉडी में कहीं पर ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है या कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो मसाज का भी एक काफी अच्छा माध्यम माना जाता है। मसाज एक ऐसी प्रणाली है जो कि पुराने समय भी इस चीज को अपनाया जाता था। यदि यदि हम अपनी नाभि में यदि हम तेल लगाते हैं, तो काफी सारी बीमारियां हमारे शरीर से बिल्कुल दूर हो जाती है। तो ऐसी काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे हम बिल्कुल शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर पर भी फिट रह सकते हैं। जी राणा सर, आपने शारीरिक और मानसिक फिट रहने की बात की। आप जी वैसे आपने पहले भी एपिसोड में कहा था कि आप वेजिटेरियन हैं और आप शुद्ध वेजिटेरियन हैं, और फिर आप इतने हेल्दी भी हो, इतने आप इतने जो है तंदुरुस्त भी हो, और शारीरिक मानसिक विकास के लिए हमें किन किन जो है खान पान का, कैसे समय खान पान, उठना बैठना, खाना पीना, क्या क्या हमको इस चीज़ पर केयर करना पड़ेगा अपने आप को जी बैलेंस बिल्कुल बनाने के लिए। जी 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 यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा, यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल यदि आपको चाहिए, यदि किसी भी एज का पर्सन है, कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे एक मेल फीमेल बच्चा, कोई भी हो, सबसे पहले तो आपको ये बात ठानना है कि मुझे डेली कोई ना कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। उसमें आपकी कोई भी आपकी शारीरिक गतिविधि हो सकती है, वो आपकी स्पोर्ट्स की गतिविधि हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको जिम वाली कसरतें आपको करनी है या योगा वाली कसरतें आपको करनी है। नॉर्मल आप कोई भी आप गेम खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, उस चीज को भी खेल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, एक डाइट का हमारी बॉडी के लिए एक मेन रोल रहता है, जिससे हमारी जो बॉडी है एक हेल्दी और हमेशा मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर मेरा आप सभी लोगों के लिए, मेरा आपके दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जो मील प्लान है, जैसे आप खाना खाते हैं, मैक्सिमम जो लोग क्या करते हैं, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, मैक्सिमम लोगों की ये आदत बनी हुई होती है। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, काफी सारे लोग जिनका वजन भी नहीं बढ़ता है, काफी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो जैसे लंच और डिनर के बीच में आपका जो टाइम है, उसके बीच में भी आपको एक मील लेना है। और जैसे मॉर्निंग का आपका टाइम हो गया और आपका लंच आपका टाइम हो गया, उसके बीच में भी आपको कोई ना कोई मील आपको ऐड करना है। जैसे आपका ओट्स हो गया, या कोई भी फल फ्रूट्स हो गए, या आपका कर्ड, दही, मतलब काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे पास। और जितना ज्यादा हो सके आप सभी हेल्दी फूड खाएं जितना ज्यादा हो सके, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें जितना ज्यादा हो सके। उससे आपकी जो बॉडी है एक अच्छी मेंटेन बॉडी रहती है। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बाकी जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल मिलता है, एक हेल्दी फूड्स का ही सेवन करें। महोदय, तकरीबन हमारे देश में जो पुरुष समाज है या फिर युवा वर्ग है, जैसे पुरुषों में उनको माँ बाप तो सेल्फ डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं लगाते हैं। हमारे देश में जी आप देखते होंगे महिलाओं पर अत्याचार है, रेप है, बलात्कार है, ऐसे कई चीज है, इस प्रकार के जो है तंग करते हैं। तो ऐसे में क्या कोई सुरक्षा के लिए आपका आपकी दृष्टि से उनके लिए क्या जो है करना चाहिए आत्म सुरक्षा के लिए, खासकर जी अभिभावक के जो है महिलाओं के प्रति जो है जो बेटियों के प्रति चिंतित नहीं रहते, जबकि उनके साथ ज्यादा ज्यादती होती है। जी जी देखिए यहां पर ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई लड़की हो, कोई भी हो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 24 आवर, ये मैंने एक स्टेज के माध्यम से भी बोला था कि 24 आवर आपको अवेयर रहना है, यानी कि जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज के समय में आप सभी जानते हैं, काफी सारी आप सभी न्यूज वगैरह देखते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, कि किस तरह हमारे देश में बुरा हाल हो रहा है दिन प्रतिदिन। उन चीजों को मैं बयान भी नहीं करना चाहूंगा, ऐसे ऐसे काफी गलत लोग हैं इस हमारे देश में, अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर मैं उनके लिए फर्स्ट पॉइंट है आपका माइंडसेट, और सेकंड मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, एक महिला और एक लड़की जो भी होती है, आप एक शेरनी है, एक शेरनी की तरह आपको दहाड़ना है। कभी भी आपको ऐसा कोई भी आपको कहीं से भी आपको ऐसे फील हो जाए, तो वहां पर आपको बिल्कुल अलर्ट, अलर्टनेस आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड बात, एक जो गर्ल्स होती है उनके अंदर एक ऐसी चीज होती है कि उन्हें ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाता है कि अभी कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है, तो उनको पता लग जाता है, माइंड में वो सिग्नल चला जाता है। और यहां पर मैं उनके लिए कहना चाहूंगा,
हमारी बॉडी के जो वाइटल जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं, या मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है उसे भी आप देख सकते हैं। वाइटल हमारे जो बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल फॉर्मल अंग, जैसे हमारी आंखें हो गई, मान लीजिए कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, यदि आप उनकी आंखों में यदि आप उंगलियां भी यदि आप इस तरह डालते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं। और सेकंड, जैसे हमारी नोज हो गई, नोज के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा बंदा, कोई भी पावरफुल बंदा क्यों ना हो, यदि नाक पर यदि आप सामने यदि यहाँ पर आप हिट करते हैं, इस तरह यदि आप हिट करते हैं, तो ये भी एक कोमल सा पार्ट है और मेन पॉइंट ग्रोइन, हमारी बॉडी का जो पार्ट होता है उससे आप हिट कर सकते हैं, चाहे आप किक मार रहे हैं, चाहे आप हाथ से, मतलब कोई भी चीज यदि आपको मिल रही है उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारे कान, ईयर, ईयर भी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, इसे कोई भी नहीं, नॉर्मल इन्हें कोई भी यूज कर सकता है, चाहे कोई गर्ल्स हो, चाहे मतलब किसी के साथ भी ऐसी घटना घट रही होती है। यहाँ पर मैं स्पेशली बॉयज के लिए भी कहना चाहूंगा कि बॉयज के साथ भी काफी सारी घटना वगैरह घटती रहती है, जैसे स्कूल कॉलेज में सारे ऐसे गलत लोग भी होते हैं जो कि ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, तो वो भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। और भी हमारी बॉडी के काफी सारे हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे आपका ये जो नेक वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पर भी यदि आप हिट करते हैं, ये भी एक ऐसा पार्ट है कि बिल्कुल बंदा बिल्कुल लंबा पड़ जाएगा वो। और भी ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप इजीली आप हिट कर सकते हैं, बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आप सभी के लिए एक नॉर्मल बात बताई है, यहाँ पर मतलब इन्हें कोई भी इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सर, युवा पीढ़ी, वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है आजकल गलत दिशा की ओर जा रहा है, नशा, चिट्टा, अफीम, जी इस प्रकार का, और ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत जी जी ज्यादा नशा की लत पड़ रही है। तो ऐसे में हम तकरीबन युवाओं को दोष देते हैं, अभिभावकों का उत्तरदायित्व क्या रहता है? युवा पीढ़ी जो है खुद स्वयं जिम्मेदार है, या फिर अभिभावक की लापरवाही है कि वो उन पर निगरानी नहीं रख रहे? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है एक माता पिता ने, यदि अपने बच्चे स्कूल में छोड़े या कहीं पर भी छोड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अभिभावकों की बनती है। आपने यदि अपने बच्चे स्कूल के लिए छोड़े या कॉलेज के लिए छोड़े, आप अपने बच्चे को देखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो, आखिर कॉलेज में वो जाता है वहां पर वो करता क्या है, क्या वो लाइब्रेरी जाता है, क्या वहां पर वो स्टडी कर रहा है, या वो रील्स बनाने में बिजी है, या कहीं पर घूम रहे हैं। मैक्सिमम आज के समय में जो लोग बिजी रहते हैं बेकार चीजों में बिजी रहते हैं, और यहां पर मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप सभी, मैं भी आप सभी के बीच में पार्ट हूं हमारे इस हिंदुस्तान का, यदि हमें इस हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करना है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में आप सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और यहां पर मैं आप सभी के लिए, जैसे ये नशे वाली जो बात आती है, जो लोग नशे में डूबे हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अभी भी यदि आप नशे में डूबे हैं, कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप सभी उस नशे को त्यागें। और उन सभी माता पिता से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी माता पिता को पता होता है कि उनके उनका बच्चा नशा करता है, पर वो आगे उस चीज को बोलते नहीं है, बाद में फिर दिक्कत आती है, किसी की डेथ हो जाती है, मतलब ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यदि कहीं पर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके लिए नोटिस उनके लिए जारी किए जा सकते हैं, उन ऐसे अभिभावकों के लिए, नहीं तो इससे हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल खराब होता रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में यदि नशा करना है तो वो नशा कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बने, एक सकारात्मक नशा। काफी सारे नशे हैं जैसे स्पोर्ट्स, काफी सारी एक्टिविटीज हैं जिससे आपका एक मन भी अच्छा रहेगा और हमारे समाज का जो माहौल है सब कुछ अच्छा रहेगा। तो यहां पर जी मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है और उन सभी लड़के लड़की सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, लड़कियां भी आज के समय में पीछे नहीं है नशे करने में, लड़कियां भी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा रील्स बनाने पर, इस चीजों पर थोड़ा कम ध्यान दें और अपने फ्यूचर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। हिमाचल के अंदर में पूरे जो वैदिक, लोकेंद्र वैदिक दो भाई है जिन्होंने नशा के खिलाफ पूरा जो है तहलका मचा के रख दिया। रामपुर के अंदर में अब जो है पूरा युवा, पूरा कॉलेज, पूरा समाज जाग चुका है। कहीं दूसरी बात, फुंजा एक गांव है जहाँ की प्रधान, महिला प्रधान जो भी बहुत युवा है, वो भी अपने अपने एरिया में बहुत बेहतरीन काम कर रहे, चाहे नशा का हो, चाहे किसी गैमलिंग का नशा हो। जी सर, एक चीज और है कि जी 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 बिल्कुल सर उम्र कोई भी हो,
हर आदमी जवान बनना चाहता है, हैंडसम बनना चाहता है, जी तो इस प्रकार का स्वस्थ रहने का टिप्स कोई बताए, हर उम्र में अपने आप को मानसिक शारीरिक हर चीज से स्वस्थ हो, कोई ऐसा राज जिसमें हम जो है अपने आप को और ज्यादा बेहतर निखार सके, हर चीज से, बोली, शब्दों और शारीरिक मानसिक जो भी विकास होता है। स्वागत है। जी जी बिल्कुल। देखिए, यदि कोई भी आदमी, यदि कोई भी एज का पर्सन हो, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें। फ्रूट्स, वेजिटेबल जितना ज्यादा हो सके इन चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक बात और बताना चाहूंगा, ग्रीन टी, ग्रीन टी का आप सभी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जापान के जो लोग हैं, वो मैक्सिमम जो लोग हैं ज्यादा, वो क्यों जीते हैं, उनकी जो मेन जो वजह है ग्रीन टी का वो सेवन करते हैं। और साथ ही साथ जब भी वो खाना खाते हैं, वो कम खाना खाते हैं और बिल्कुल छोटी थाली में खाना खाते हैं। नहीं तो जैसे हमारे हिमाचल में, हमारे इंडिया की यदि बात की जाए, इतनी बड़ी हम थाली निकालेंगे, इतना हम खाना निकालेंगे, तो उससे हमारा जो खाना है, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आप सभी के लिए, मान लीजिए आपने एक फुल प्लेट आपने एक चावल की निकाली हुई है, तीन चार आपने चपाती खा ली, आपकी बॉडी में वो जो खाना जा रहा है वो बिल्कुल गलत जा रहा है। वहां पर यदि आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, जापान की जो एक यहाँ का वो जो सिस्टम बना हुआ है, हारा हाची भू के नाम से उसे जाना जाता है, 80% जो खाना है वो हमारे स्टमक में जाना चाहिए और 20% वहां पर हमारे लिए स्पेस रहना चाहिए। उससे जिंदगी भर हम स्वस्थ भी रहेंगे, लंबी एज भी होगी, फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि हमारा वो जो खाना है वो बिल्कुल डाइजेस्ट होना चाहिए, अच्छे से वो अब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी बॉडी में। जैसे हमारे स्टमक में खाना चले जाता है, 20% जब स्पेस रहा होता है, तो वो जो 20% है हमारा जो खाना है वो छलकता है उस टाइम, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, आप हेल्दी रहेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए बताना चाहूंगा कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर इन्वॉल्व करें। काफी सारी एक्टिविटीज है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक वाली एक एक्टिविटीज मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये वाली जो एक्टिविटीज है, पूरी बॉडी को यदि आप इस तरह, यदि आप टैप करते हैं इस तरह, साथ में आपको स्माइल करते रहना है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती है। जैसे मैं अभी सर के साथ में अभी बातचीत कर रहा हूँ, इसी तरह ये एक ऐसी, मतलब काफी जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। इस चीज को मैं भी इंक्लूड करता हूँ सर, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर देखें आप कि आपकी बॉडी में मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आपकी बॉडी में जरूर आएगा, जी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा आपकी बॉडी के लिए। सर, एक आपको कुछ दिन मैंने सोशल मीडिया में देखा था, और वहाँ पर जो बॉलीवुड अभिनेता है विदित जमाल, उन्होंने जो है एक टी शर्ट आपको गिफ्ट किया था, जी शायद ये आपको सामने जी यही यही है। है सर, वो टी शर्ट, जी 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 यही चलिए, टी आप शर्ट बहुत लगाई बहुत गई। बहुत बहुत बधाई आपके लिए सर, क्योंकि बहुत बॉलीवुड बहुत थैंक यू। के तक आपका एक लिंक होना, और ये हमारे लिए हिमाचल के गर्व की बात है। चलो, ये इसका जो सबसे बड़ा इसका जो श्रेय जाता है, वो तो सोशल मीडिया पे मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जो जुड़े हुए हैं, उसके लिए तो मैं आप सभी का आभारी हूँ, आप सभी का ऋणी हूँ। राणा सर, एक चीज और है कि जैसे आप इतने फिट रहते हैं ना, और हर चीज से आपकी स्माइलिंग है, आपकी बॉडी है, आपका जो कदकाठी सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे का जो आदर्श, किसको मानते हैं, किसको ज्यादा आप अहमियत देना चाहेंगे आपके जीवन के, अपने लाइफ में? सर, मेरे जीवन का मैन, मेरे जो आदर्श है, वैसे मेरा पूरा जो श्रेय जाता है वो मेरे माता जी को जाता है, मेरे पिताजी को जाता है, पर उसके बाद की बाकी मेरे जो गुरु गुरु वगैरह हो गए उनको जाता है। फर्स्ट जो मेरे आदर्श है मेरे, वो मेरे माता जी है सर, क्योंकि उनसे काफी सारी चीजें मैंने सीखी हुई है, अभी भी हम उनसे सीखते आ रहे हैं और उनकी हर एक बातों का हम कहना मानते हैं। चलो, वो तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, वो तो मेरे घर का ही सिस्टम, मुझे पता है कि किस तरीके से हम घर पर रहते हैं। एक चीज और, ये आपका आपका ये था कि इसमें बिल्कुल सर, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल में रहने वाले उन बच्चों के लिए, और खासकर जो हिमाचल हमारा उड़ता पंजाब ना बने, हमारा जो जी किन्नौर उड़ता पंजाब ना बने, और इनके लिए उन्हें वो दो शब्द कुछ आप कहना चाहेंगे स्पेशल उनके लिए जो बाहर रहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो माँ बाप से दूर है, माँ बाप जो खर्चा भेज रहे हैं और उन खर्चों से अपना चला रहे हैं, या फिर गलत जगह प्रयोग करे, और ऐसा ना हो कि भविष्य में उड़ता पंजाब, जिसे रोकना है, और आप जैसे यूट्यूबर और लोकेंद्र भाई जैसे ऐसे कई लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो आप देखिए, उन युवाओं के लिए कुछ और संदेश? उनके लिए तो मैं सबसे पहले तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, आपके माता पिता ने कितना खर्चा करके किस किस
किस तरह वो घर पर काम करते हैं, किस तरह वो जो पैसा कमा रहे हैं, आप जरा उस चीज को एनालाइज करें, उस चीज को आप सभी स्टडी करें। यदि आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे हॉस्टल में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले आप अपने माता पिता के बारे में जरूर स्टडी करें, उनके बारे में कि कैसे आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, क्या उनका वो जो खर्चा है, क्या वो सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। उस चीज को वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। वो एक स्टूडेंट है, कोई भी हो, उन वो जो गलती है वो सिर्फ आपकी ही होगी। और सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो माता पिता की बनती है, कि उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हॉस्टल में रखे हैं, वो भी वहां का माहौल देखे, कि मतलब पता लग जाता है कि वहां का कैसा माहौल है। हर एक चीज आज के समय में सभी को पता होती है, उस चीज को आप इग्नोर ना करें, देखें, आप हर एक चीज को देखें। और यहाँ पर मैं उनके लिए एक बार फिर से कहना चाहूंगा, एक यूथ जो है आज के समय में, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक रीढ़ की हड्डी है हमारे इस इंडिया की। इस हिंदुस्तान को यदि आगे ले जाना है तो हम सभी को आगे आना पड़ेगा, और एक सकारात्मक फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। वो चाहे फिर आपका स्पोर्ट्स हो, आपका स्टडी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, काफी सारी चीजें हैं हमारे सामने, ऐसा नहीं है। तो एक अच्छी सकारात्मक चीजों का नशा करें, गलत चीजों का नहीं। तो यही कहना चाहूंगा सर मैं। जी, जाते जाते कुछ सवाल और। सर, पूरे जी हिमाचल बिल्कुल, में, पूरे हिमाचल में अपने अपने मेले होते हैं। जैसे हमारा किन्नौर में लवी होगा, रामपुर में लवी होगा, दशहरा होगा, कुल्लू होगा। ऐसे में जो उन प्रतिभाशाली लोगों को जो है हमारा शासन आगे लेकर नहीं आता है, जिससे समाज को एक जो है मैसेज मिले। ज्यादातर जो प्रोग्राम जो मैंने देखा, मैं खुद मान लेते हुए एक राइटर हूँ, मैंने दो चार शब्द कविताएं सुनाना हूँ, ऐसे कई किन्नौर के अंदर में अपने मेले में कवि लोग होंगे, और ऐसे ही आप जो है हेल्थ टिप्स दे रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, तो हमारे को आपको इस प्रकार के मंच में ज्यादा अहमियत दी नहीं जाती है। ज्यादातर जो है गीत संगीत व इन्हीं चीजों पर है जो जो आप कर रहे हो। जिस प्रकार से आपका एक रोल मॉडल है, आप युवाओं को आप ट्रेनर कर रहे हो, युवाओं को नशे से दूर कराने का आप जो है एक अपील करते हो और उनको सिखाते हो, तो क्यों जो है आप आपका आपको वैसा मंच नहीं देते? आखिर क्या प्रशासन में कोई नॉलेज में नहीं? आप तो नहीं, ये जो सवाल है ये हमारे इस हिंदुस्तान का ही एक ऐसा सवाल है कि इस चीज को लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए मैं फिटनेस पर काम कर रहा हूँ, हेल्थ पर मैं काम कर रहा हूँ, इन चीजों को लोग देखते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं इस चीजों को। ये बात अभी कुछ टाइम पहले रवीश ठाकुर जी, जो हमारे अभी रामपुर में भी आए थे, वो मिस्टर इंडिया जो रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि मान लीजिए मेरी जो एक्टिविटीज है, जिस चीज पर मैं काम कर रहा हूँ, उस चीजों को जैसे नेता जो लोग हैं, चलो वो लोग तो उन चीजों को नहीं देख रहे हैं। हमारे समाज के जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं, यूथ जो है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, युवक मंडल आप सभी ने जो बनाए हुए हैं, कि हम जैसे यूथ के लिए भी एक मौका दें। चलो अब मैं खुद तो नहीं कह सकता हूं, मान लीजिए लवी में क्या बोलते हैं, मुझे पार्टिसिपेट करना है। अब खुद यदि मैं खुद की तरफ से बोलता हूँ, मान लीजिए मैं बोल भी दूंगा, वो थोड़ा खुद की तरफ से थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता है। पर ये चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है। मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है इन चीजों का। इस विषय पर मैं अगर इस एपिसोड को बारीकी से, चाहे शासन प्रशासन तक जाए, हिमाचल के अंदर में हमारे चाहे जी मुख्यमंत्री तक भी जाए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जो भी मेले तीज त्योहार होते हैं, मैंने एक चीज देखा, कुछ ऐसे कॉमेडियन भी बुलाए जाते हैं जो आधा घंटा हंसा रहे होते हैं, आधा घंटा हंसा रहे होते हैं, बड़े इतने दूर दूर से बुलाए जाते हैं, और वो अपना जो है 50-60 हज़ार अपना जो है सिर लेकर चला जाएगा, कुछ मिला नहीं। यहाँ सही पर बात, ऐसे जो ऐसे अतिथि हमारे साथ में, जो किन्नौर का, जो हिमाचल का है, हिमाचल को प्रमोट कर रहा है, और जिन्होंने जो है हिमाचल के अंदर में एक अलग प्रकार का जिम बनाया, ऐसे व्यक्ति विशेष को लेना जो है हमारे लिए गर्व की बात रहेगा। तो भविष्य में हम तो यही अपील करेंगे, अन्य ऐसे भी लोग हैं, चाहे हमारे देश में साहित्यकार है, कवि है, उनको भी मंच दिया जाए किसी मेलों में, दो चार लाइन सुनाने का, ऐसे अतिथियों का दो चार टिप्स दिखाने का। जैसे सिलेंडर में सिलेंडर को उठाया जा रहा था दांतों से, जैसे बटलोई को गिलास के ऊपर चलाया जा रहा था, ये युवाओं के लिए प्रेरणा है। युवा इनकी युवा तभी तो आगे बढ़ेगा। बात करूं, जैसे म्यूजिशियन है, जैसे सिंगर है, इन इन लोगों को लोग ज्यादा बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। अब मान लीजिए मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर नशे के बारे में बोलूंगा, लोग उस चीज को मतलब गहराई से नहीं लेते हैं, या फिटनेस की मेरी जो चीजें होगी। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे बुलाइए, आप मेरी चीज को देखिए कि किस चीज पर मैं काम कर रहा हूं, क्या
इसके लिए सभी को जी इसके लिए जागना पड़ेगा। जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस चीज को देखें, हिंदुस्तान की पुरानी ये जो मार्शल आर्ट है इस चीज को देखें कि आखिर क्या है इस मार्शल आर्ट में। घरेलू मैंने जो जिम बनाया, आखिर क्यों बनाया मैंने वो घरेलू जिम, उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। जी अंतिम जी सवाल सर, आपने आपका जो बहुत सारे टिप्स देखते हैं और हम देखते आ भी रहे, तो कभी ऐसा है हुआ आपके साथ हादसा, कोई ऐसा अपना मतलब हाथ चोट चोट लगा हो, जैसे होता ना बहुत बड़ा प्रैक्टिस जी है आप उछल रहे हो और इतना आसान नहीं है जितना हम हमको देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन होता है। कितना कैसे समय निकालते हैं सर इन चीजों के लिए आप? सर समय भी निकालना पड़ता है। अब तो मैं एक चीज का थोड़ा अडिक्टेड हो चुका हूँ कि फिटनेस वाली जो चीजें, मतलब डेली मैं कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मेरी लाइफ लाइफ के रूटीन में मतलब ऐड होनी चाहिए। और यहाँ पर मतलब काफी सारी तो चोटें भी है मेरे शरीर में, ऐसे नहीं है। पीछे मेरा जो हाथ है, मैं गिर गया था, पुलअप बार जो मैंने लगाई थी, पाँव मैंने ऊपर किए थे तो मैं नीचे गिर गया था। तो 3-4 महीने के लिए मेरा जो राइट हैंड जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था काफी टाइम के लिए। एक बार मैं सिलेंडर से, मैं एक बार एक्सरसाइज कर रहा था, एक हाथ से मैं उसे उठा रहा था तो मेरे सिर पर बच गया वो भी। और एक बार बॉटल के ऊपर मैं पुशअप कर रहा था तो बॉटल एक बार मेरे छाती में लग गई। पर वहां पर वही चीज है ना, जैसे ये जो चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की ये जो मार्शल आर्ट है जिस चीज को मैं परफॉर्म करता आ रहा हूँ, उसमें माइंड सेट, हमारा माइंड बैलेंस, हर एक चीज के लिए वहां पर एक्सरसाइज है। तो उस चीज पर फोकस करना वो वहीं से सीखी जा सकती है। तभी मैं, मुझे भी वो चीज अच्छी लगी, तभी मैं भी चाहता हूँ कि लोगों के साथ उस चीज को शेयर करूँ अपने चैनल के माध्यम से। उसे जितना भी मेरे पास समय मिलता है उस चीज को बता रहा हूँ। यूथ के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो भी लोग यदि कोई मेरी वीडियोस देखते हैं, इस तरह छोटे छोटे जो बच्चे वगैरह होते हैं, मान लीजिए आप मेरी कोई ऐसी वीडियोस देखते हैं, तो वहां पर आपको वो चीज आपको नहीं करनी है जो चीज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने काफी ज्यादा उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एकदम आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं, जैसे बोतल के ऊपर मान लीजिए आप खड़े हो जाते हैं तो वो चीज एकदम नहीं होती है। वो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उस चीज को थोड़ा नजरअंदाज करें उस चीज को, यही कहना जी चाहूंगा सर बहुत बाकी। बहुत 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 आभार सर। जाते जाते किन्नौर पेज के जो टीम है और किन्नौर पेज मतलब हमारे लिए क्या कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई बदलाव, कोई ऐसा अपनी ओर से देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल सर, किन्नौर किन्नौर के सभी लोगों के लिए, सभी दर्शकों के लिए और आपसे जुड़े लोग जितने भी हैं, उन सभी के लिए मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे इस एनवायरनमेंट को बचाना। जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाए जितना ज्यादा हो सके, और साथ ही साथ हेल्थ और फिटनेस इसका भी ध्यान रखें। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां ऐड करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। और साथ ही साथ जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जिसने भी अभी मुझे सुना है, कृपया करके मेरी इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचें आप कि किस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या मेरा मोटिव है, क्या मैं चाहता हूँ, उस चीज को थोड़ा देखें आप सभी। तो यही कहना चाहूंगा मैं, बाकी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू सर, जी बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। फिर बहुत कभी बहुत मिलेंगे। सर। नमस्कार जी जी। नमस्कार सर। हमारे साथ थे आज हरियाली और खुशहाली एपिसोड में राणा द वाइपर यूट्यूबर, जो स्वास्थ्य और हेल्थ संबंधी जो है उनका जिम है और युवाओं के लिए नशा के प्रति जो है अपील करते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार, हमारे पेज से जुड़े आप लोगों का।